बाथरूम में शिवानी पहलवान बिहार, हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल बिहार के रहने वाली, और इन्हीं के सवाल के जवाब में गोरा रंग लंबा कद छरारा बदल लाल कलर के कॉस्ट्यूम में ज्योति पहलवान नेपाल, कुश्ती का समय 5 मिनट। महिला पहलवान के बाद जो राजस्थान से चल गए सोनी पहलवान और नवल परासी नेपाल का दिनेश पहलवान, तैयार हो जाइए। और साथ साथ हरियाणा का अमित पहलवान और पंजाब का काली पहलवान, आप लोग भी तैयार होकर बैठिए। पंजाब के चांद पंजाब के शान, और इधर हरियाणा के पहलवान, नेपाल के चांद नेपाल के शान, दिनेश पहलवान नवल परासी नेपाल, और उन्हीं के सवाल के जवाब में राजस्थान के पहलवान के हाथ मिला, दोनों पहलवान नगोट जाहिया पार के अपनी तैयारी में लग जा। देखिए इस समय नेपाल के महिला पहलवान ऊपर है, बिहार के नीचे, कुश्ती के समय 5 मिनट दिया गया और दोनों अपने अपने दाव के चक्कर में लगी हुई, देखिए कुश्ती में क्या होता है। और ये परिसर से निवेदन है, महिलाओं के हाथ नाजुक होता है, कहीं अगर चढ़ता है तो उसको तत्काल छड़ाइएगा, क्योंकि अभी नेपाल हमारा ऊपर है। एक बार नेपाल के नाम पर जोरदार ताली से स्वागत करिए। दोनों महिला पहलवान अपने अपने बाजों के ताकत लगा रही, बिहार नीचे नेपाल ऊपर, नेपाल लाल कस्टूम में और बुल्लू कस्टूम में, आधा सफेद आधा बुल्लू, ये हैं बिहार के महिला पहलवान और नेपाल के पहलवानों के, जिन जिन नेपालियों के हाथ मिला हमारे नेपाल के जवानों से निवेदन है, नंगोट जाहिया पार के तैयार हो जा, ब्रिज बना के बिहार के महिला पहलवान बची और दोबारा फिर खतरे में चली गई। नवल परासी के प्रेम शंकर पहलवान जरा खड़े पर आ जा, मोनू पहलवान आ जा, दोनों पहलवान आ जा, और इन दोनों पहलवानों के कुश्ती अभी इस कुश्ती के बाद होगा। सोनू पहलवान राजस्थान, दिनेश पहलवान नेपाल, जितेंद्र पहलवान भी आए हैं, रोहित पहलवान भी आए हैं, राकेश पहलवान भी हैं, और भीम पहलवान आगरा, हैप्पी पहलवान, हैप्पी पहलवान जहां पर भी हो माइक के बाद सुनाई पहुंचता है, एक बार अखाड़े पर आ जा, हैप्पी पहलवान हरियाणा, हैप्पी पहलवान हरियाणा, लगभग 1 क्विंटल 32 किलो। हेलो बाबा, जो सीनियर पहलवान है उन लोगों को दू जोरा के ऊपर लगाइए यहाँ पर हाथ मिलाने के लिए, दो को बताइए हाथ मिलाने के लिए। अखाड़े पर आ जा हैप्पी पहलवान, हैप्पी पहलवान हरियाणा, 1 क्विंटल से ज्यादा वजन है पहलवान के, जहां पर भी हो माइक की आवाज सुनाई पड़ता खड़े पर आ जा। अभी आप लोग का बंद कल होगा, आप लोग का कल होगा। जो पहलवान अभी नाश्ता करने गए थे उन पहलवानों से जो लेट में आए हैं, अगर माइक के आवाज उनको कानों तक सुनाई पड़ता, उन पहलवानों से निवेदन है, समय 2.5 मिनट बीता, 2.5 मिनट बाकी, पहलवान दो और आधा समय समाप्त हो गया, कुछ करो पहलवानों। देखिए इस धाक दाव मारी मगर बच गई, बच गई, बच गई। इस दाव के नाम था ढाक, नेपाल के महिला पहलवान ढाक मारी और बिहार के महिला पहलवान एकदम खतरे से जरा से बच गई। अगर थोड़ी ऐसा और चाप दी होती तो फैसला मान लिया गया होता। हमारे नेपाल का महिला पहलवान थोड़ा वजन में कम है, मगर नीचे वाली महिला पहलवान ताकतवर है, इसलिए अपने ताकत के अपने बाजुओं के ताकत से बचाव कर रही है। नेपाल के महिला पहलवान इस वक्त ऊपर, बिहार नीचे, कुश्ती का समय 2 मिनट और बचा हुआ, 3 मिनट समाप्त, 2 मिनट बाकी। हेलो, एक सूचना, मेला यज्ञ मेला समिति के उपाध्यक्ष शंभू प्रसाद यादव और सचिव
प्रकाश चंद्र यादव कोषाध्यक्ष लक्ष्मण पासवान लगाए संपूर्ण सदस्य सब से आग्रह करब कि एक बीच में अपने सब एक बेरा भी आते हाँ संपूर्ण जते खोरिया टोल जमुआ के सदस्य और गौरीपुर के संपूर्ण सदस्य नाम तो बहुते है लेकिन अपने सब बुझे सदस्य सब लोग उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव और लगाए संपूर्ण सदस्य सबके एक बेरा आगे करे बीच में आवे के कोशिश कर से बच गई समझ जाइए इस समय नेपाल के महिला पहलवान देखे ईरानी दाव डालने के प्रयास में और बिहार के महिला पहलवान नीचे नेपाल का ऊपर दोनों महिला पहलवान रेपनी साहब जब ज्यादा देर तक कुश्ती अगर नहीं फैसला होता तो खड़ा करा करा कर आज का पहलवान नेपाल के केंद्र बिंदु बन चुका है बाबा कोई नहीं सकेगा बिहार का व भारत का पाली सौ पर भारी कहते हैं हमारे नेपाल खड़े हो जाओ ढेर इस दाव के नाम है धोबिया पार देखे दोनों भाई अभी नहीं जब तक छापोगी नहीं रेफरी जब सीटी मारेंगे तब मान लिया जाएगा कुछ करो अब नेपाल के महिला पहलवान गर्म हुई है नेपाल के नाम पर एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर लिया आप लोग इस गांव के नाम है था नेपाल नाम पर जोरदार तालियों से स्वागत करते आप लोग एमके प्रोडक्शन के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दे एमके प्रोडक्शन के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दे।